पेश करते हैं बड़ी खबर। बिल्किस बानू के दोषियों को फिर जाना होगा जेल। गुजरात सरकार की सजा में छूट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। बिल्किस बानू ने वक्त से पहले दोषियों की रिहाई को दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई के बाद भी मालदीव पर भारत का रुख सख्त। विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर जताई कड़ी आपत्ति। इज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी बुकिंग को किया सस्पेंड। राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने में आरजेडी नेताओं में होड़। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने फतेह बहादुर के बयान का किया समर्थन। आरजेडी विधायक ने कहा 22 जनवरी को भक्तों पर ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसी गुलामी का रास्ता होता है। डर है अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। एनडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी। आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब और दिल्ली में सीटों पर चर्चा आज। कल आरजेडी के साथ हुई थी कांग्रेस की बात। राम मंदिर पर नहीं थम रहा विपक्षी नेताओं का विवादास्पद बयान। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। समर्थन में आए कांग्रेस नेता उदित राज।